हेलो जी, राम राम जी। किया हो थे सारा? और आज बना से सरसों को साग, तो पूरी रेसिपी देखियो। हाँ और जी आज बना से सरसों को साग। वो देखो ताजो ताजो ही तोड़ के ले आया है। मारा तो खेत में कोनी कटी, पड़ोस के खेत में ले गया है। आ देखो तो बहुत ही सोहनी सरसों है। और अभी मैं इन साफ करने लग रही हूँ। आ देखो की तो मैं छोड़ ली गई, साफ कर ली इन्हें। और अब बना से जद बतायूं थाने काटूंगा जद। और जी वो देखो इन छोड़ लांगा। और आ सरसों नी इन बढ़िया छोड़ लिया इं ऊपरों। ये देखो इं रस्सा सा निकला है ऊपरों, छिलका है जगह। ये देखो और मन एक हाथ तो बताना पड़ रहा है क्योंकि एक हाथ में मेरा फोन है, कन्या कोई है कोई वीडियो बनाने वाला। आ देखो इं इन तरीकों में इंसाफ कर लूँगा और फिर दिखाऊंगा थाने काटूंगा जद। तो जी ये तो ही दिखाई जगो क्योंकि वीडियो भी आपने ही बनाना पड़े। और आ लिए पालक साग में घरने। आ देखो बहुत ही बड़ी बड़ी है, ताजी ताजी खेत में तोड़ के ले अभी अभी, एकदम ताजा। और वो है बथू, बथू बिना साग बढ़िया कौन बने? और वो बथू में लसणा मुंह पट्टे हुए, मारे लसन बिजड़ा है नी बंग अंदर हो गिड़ो बठू तोड़े हो। और आ सरसों है ही, और वो देखो साग काटन लाग रहा, चाकू काटन लाग रहा, दरात मारकने है कोनी। और साग काट लियो, ये हरिया दाना और हरी मिर्च। अब मैं इन्हें उबालना चढ़ा दूंगा। और अभी मैं साग उबालना चढ़ा दियो, वाह सारा लकड़े टेक गए। देखो और अब एकदम बढ़िया उबल जे वो बन सी नी बना से हम जदी दिखा से। और जी ये है हरी मिर्च और दाना हरिया, और साग उबल तक मैं आन गेर देना चाहिए। बढ़िया बड़ी बन जाए, खुशबू बढ़िया आन ला जाए। थोड़ो थोड़ो उबल ना गयो, सीज गयो थोड़ो सो, ज्यादा तो कौन पकते हो जितने, थोड़ो थोड़ो सीज गयो। और साग एकदम बढ़िया सीज गयो, घोटन की जरूरत कोनी। और अब लगावांगा तड़को, तड़को लगाने खातर लहसुन अदरक है थोड़ी और तीन टमाटर, हरी मिर्च पहला मैं की गाती हो की अदरक।
और साग नीचे उतार लियो, कढ़ाई च डाली, कढ़ाई में तड़कांगा, देख जी दबेली कोने साग है और कुंडी छोटी है। और घी को तड़को लगा से साग में, घी का तड़का बढ़िया बना साग। घी थोड़ा सा गर्म होता ही लहसुन और अदरक को पाउडर बनाया इधर डाल दिया, घी जमा और अब टमाटर डाल दिया। और टमाटर थोड़ा थोड़ा पक गया जो नहीं मार दी गेर लिया, नमक तो मेरे पहला का रेड़ा है पर थोड़ा सोर गेर लिया, थोड़ी सी लाल मिर्च वो टमाटर पक गया, अभी मसा गेर लेंगा उबाले डाल को। और देखो साग बन गया एकदम बढ़िया तैयार हो गयो, बहुत ही सुंदर टेस्टी टेस्टी। और एक बार बना के जरूर देखियो, हमने बनाया देसी स्टाइल में, बहुत बढ़िया लगा वो। थोड़ी देर और पकन जाएगा, फिर घी गाल के फिर थाने खुआ से जिमा से थाने। और वो है मक्की को आटो, मक्की का आटा की रोटी बना से, मक्की की रोटी बना से, यानी कि साग के साग है। मैं कभी बनाई को नहीं, पहली बार बनाऊँ, देखा कि बनेगी, मैं पहली बार ही बना लग रही हूँ, कोशिश कर मत के जब है, कोशिश करके देख लिया। आटा ने पहला छान लिया इन्हें, फ्रो कर लाँगा अब साग के अंदर आलन जिकन बोल है, बेसन को आटो या मक्की को या बाजरी को आटो कोई भी गाल दें। Thank you.
और जी आया मक्की की रोटी और सरसों का साग। और मक्की की रोटी मैं बहुत ही औखी बनाई है, तब भी को नहीं आई वाटो मेरु। और साग टेस्ट करके बताओ किसो को बनिया है। और वीडियो पसंद आवे तो लाइक कर दियो और चैनल ने सब्सक्राइब तो करना ही करना है। बहुत ही मेहनत करके वीडियो बनाई है, तो नया बहन भाई जका देखो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करियो। बहुत बहुत धन्यवाद उसी थारो। और मिलांगा एक नया वीडियो सागे।